हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के पालनपुर शहर के बारे में। उत्तर गुजरात में स्थित यह शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बनासकांठा जिले में स्थित यह शहर उस जिले का मुख्यालय भी है। तेजी से डेवलप हो रहे इस शहर की आबादी करीब 2.5 लाख है। कहा जाता है कि शुरुआती समय में पालमपुर को उसके संस्थापक प्रहलादन के नाम पर से प्रहलादपुर कहा जाता था, जिसका उल्लेख जैन ग्रंथों में मिलता है। 13वीं शताब्दी के आसपास चौहानों द्वारा इस शहर पर फिर से शासन किया गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सम्राट औरंगजेब के निधन के बाद मराठाओं ने इस पर अधिकार कर लिया। 1817 में सहायक गठबंधन प्रणाली द्वारा पालनपुर का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद उसे भारत संघ में जोड़ा गया। भूतपूर्व पालमपुर रियासत की राजधानी रहा यह नगर अब कृषि उत्पादकों के व्यापार का केंद्र है। पालनपुर अपने हस्तशिल्प के लिए भी विख्यात है। पालनपुरी अत्तर अपनी सुगंध के लिए लोकप्रिय है और इसी वजह से पालनपुर को अत्तर नगरी और फूलों का शहर उपनाम मिला है। डेयरी, कपड़ा, हीरा पॉलिशिंग और संगमरमर पालनपुर के प्रमुख उद्योग हैं। बनास डेयरी राज्य की सबसे बड़ी डेयरी में से एक है। जालोरी नवाबों के दौरान पालनपुर गुजराती गजलों और कविताओं के लिए प्रसिद्ध हो गया। और खाने के लिए भी कई व्यंजन आपको इस शहर में मिल जाएंगे। और समोसा और करी शहर का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। एक बेहतरीन बस स्पॉट के साथ साथ यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ की स्वच्छता ही इस शहर की सुंदरता प्रदान करती है। अब बात करते हैं पालनपुर के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन की, जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले है पातालेश्वर मंदिर। कीर्ति स्तंभ के पास स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है और माना जाता है कि गुजरात के पूर्व शासक राजा सिद्धराज जयसिंह का यह जन्म स्थान है और सिद्धराज जयसिंह की माता मिनल देवी ने ही इसका निर्माण किया था। उसके बाद है मोटू देरासर। मोटू देरासर, जिसे पार्श्वनाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, पालनपुर के संस्थापक राजा प्रहलादन द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और यह जैन मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। यह मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ राजा प्रहलादन की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद है जहानारा बाग। जहानारा बाग शहर के मध्य में स्थित एक खूबसूरत गार्डन है, जिसे सशिवन भी कहा जाता है। और यहाँ पर आकर आप शांति का अनुभव जरूर से करेंगे, तो यहाँ पर घूमने जाना आपके लिए एक आह्लादक अनुभव हो सकता है। उसके बाद है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ को 1918 में नवाब श्री ताले मोहम्मद द्वारा शेर मोहम्मद खान की साहस की याद में बनवाया गया था। और यह एक लंबा स्तंभ है। स्तंभ विभिन्न राजवंशों के तहत पालनपुर के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। स्तंभ का उद्घाटन बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह ने किया था। और इसके अलावा भी पालनपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर आप बालाराम पैलेस रिसोर्ट्स, जैसोर अभ्यारण्य, केदारनाथ टेम्पल, पाणियारी हिल्स जैसी जगहों पर भी घूम सकते हैं। दोस्तों, ये था गुजरात का खूबसूरत शहर पालनपुर। और आप कौन से शहर से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपने शहर के बारे में वीडियो देखने के लिए ब्राइट लाइट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।